नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों, यहाँ पे देहरादून के परेड ग्राउंड में हूँ मैं और यहाँ पे 26 जनवरी की तैयारी वगैरह चल रही है और प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे हो रही है। अभी 26 जनवरी की 24 तारीख हो गई है और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 26 जनवरी को यहाँ पे देहरादून का जो पूरा परेड ग्राउंड है पूरा सजा हुआ है और यहाँ पे जो झांकियाँ वगैरह निकलेंगी उन झांकियाँ वगैरह यहाँ पे चल रही है और सुबह से शाम तक यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह चल रही है। तो थोड़ा बहुत हमें टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत हम भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑफिस भी रहता है, ऑफिस के साथ साथ सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी थोड़ा जो गाने प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, डांस वगैरह का प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी देख सकते हो आप लोग किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है और किस तरीके का आसपास का माहौल बना हुआ है। तो 26 जनवरी को ज़रूर आइएगा परेड ग्राउंड में, क्योंकि ये यहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है और मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर को उनको बता देता हूँ कि 26 जनवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रोग्राम होने वाला है। साथ में पीछे की तरफ बहुत दुकानें वगैरह भी लगेंगी, पता नहीं किस क्या क्या लगेगा, वो उसी दिन पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, थोड़ा मैं आसपास का दिखा देता हूँ किस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है और बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, पहले 26 जनवरी की प्रैक्टिस चल रही है और यहाँ पे शाम का टाइम पे भी इस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। पूरे दिन भर यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, जब तक पूरी तरीके से ये तैयार नहीं हुए तो तब तक प्रैक्टिस ही यहाँ पे चलेगा। आसपास का जो ग्राउंड बना हुआ है इस तरीके से सजावट यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हो। हो गई आप लोगों की प्रैक्टिस? जी हाँ, एक बार तो हो गई, एक बार हो गई है। सुबह से कितने बजे से प्रैक्टिस कर रहे हो? बारह बजे से प्रैक्टिस है। अच्छा, तो आप कहाँ से? कुमाऊँ से। जी, कुमाऊँ अल्मोड़ा। तो कुमाऊँ अल्मोड़ा, छोलिया नृत्य के लिए। जी। अच्छा, और कैसी रही प्रैक्टिस आप लोग? बहुत बढ़िया रही। बढ़िया रही प्रैक्टिस, मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने में। कल भी प्रैक्टिस है? कल भी प्रैक्टिस है। अच्छा, अभी 26 जनवरी को प्रोग्राम वगैरह होगा आप लोगों का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधन राव। सर, आप छोलिया नृत्य के लिए आ रखे हो यहाँ पे देहरादून में? जी।
अच्छा, तो कुछ बताना चाह रहे हो छोले नृत्य के बारे में, आप बताना चाह रहे हो कुछ? जी हाँ, छोले नृत्य बहुत पुराना नृत्य है जी। जी जी, राजा महाराजाओं के बारे से चला आ रहे हैं। जी जी, उस समय जब लड़ाई होती है एक राज्य से दूसरे राज्य की, तो उसमें ये छलिया मतलब डांस होता था। छलिया मतलब चूड़ी, रणसिंघा, ढोल, दमाओ, नंगारा, ये सारी चीज़ें होती है, ढाल, तलवार जी, मशकबीन जी, ये होती है। और एक राज्य से दूसरे राज्य को ललकारा जाता है, इससे मतलब कि संकेत होता कि तेरे यहाँ लड़ाई होने वाली है। रणसिंघा, रणवीर जिसे कहते हैं, वो बजाया जाता है, उसको संकेत दिया जाता है, पता चलता है कि यहाँ लड़ाई होने वाली है। तो सारी सामान वगैरह है जी, संचार का एक संचार का माध्यम था, मतलब उसमें टेलीफोन वगैरह नहीं थी ना। हाँ, सबसे चला, प्रैक्टिस वगैरह सही तरीके से होगी आप लोगों की। हाँ अच्छा, तो दिखा सकते हो जो सामान वगैरह है, बता सकते हो उसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? ये तो झंडा है। हाँ, ये झंडा है, बस ये झंडा सबसे आगे रहता है। हाँ, ये जाते वक्त लाल, एक एक आगे और एक पीछे। हाँ, लाल वाला कौन आगे रहता है, पीछे रहता है? लाल वाला आगे रहता है, और आते वक्त सफेद, सफेद आगे रहता है, जाते वक्त लाल, जाते वक्त लाल। और ये क्या है सर, इनके नाम बता दीजिएगा आप। ये नगाड़ा है, ये नगाड़ा है, ये वाला नगाड़ा है जी। जी जी, ये दमाऊ, ये दमाऊ, ये रणसिंघा है, रणसिंघा ये है, यानी कि जब कोई युद्ध वगैरह होता है तो रणसिंघा को इसी को बजाया जाता है। अच्छा, तो रणसिंघा आगे रहता है या पीछे रहता है इसमें? रणसिंघा आगे, आगे रहता है, सबसे आगे रहता है झंडे के बाद। ठीक है, अच्छे। और ये मशकबीन, ये मशकबीन, ये मशकबीन है। ढोल, ढोल दमाऊ वाला कौन सा? वो सामने वाला है। अच्छा, वो वाला ढोल दमाऊ बजाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? टूरी, टूरी, ये वाला जी। अच्छा, ये टूरी है। अच्छा, तो ये सारे सामान है छोले नृत्य के। और दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए हुए अल्मोड़ा से छोले नृत्य वाले आए हुए प्रैक्टिस के लिए, और साथ में और भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो जो लोग हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और अब शाम का टाइम हो गया, कि शाम को 6 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो गया है, तो इसलिए ये जा रहे हैं, और फिर कल दोबारा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आएंगे, तो आप देख सकते हो। Yeah.
और दोस्तों यहाँ पे जौनसारी गाने में यहाँ पे अभी फिलहाल प्रैक्टिस चल रही है, तो फिलहाल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और दोस्तों ये है देहरादून का परेड ग्राउंड, और इस तरीके से यहाँ पे अभी सजावट की जा रही है और धीरे धीरे तैयार होगा ये, और इस तरीके से जितना हो सका उतना मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी है। इस तरीके के यहाँ पे आसपास झांकियाँ निकलेंगी और इस तरीके से देहरादून का परेड ग्राउंड इस तरीके से सजा हुआ है, और साथ में सामने गाने की प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है, तो प्रैक्टिस वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे छोलिया नृत्य भी होने वाला है, जौनसारी डांस भी होने वाला है, गढ़वाली डांस भी होने वाला है, कुमाऊनी डांस भी होने वाला है, सब चीज़ें होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो, तब तक ले नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।